अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक और प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आई हूँ जिसने मुझे बहुत बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स दिए, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैंने इसको ख़ुद बाय किया था और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स होंगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलें मैं आप लोगों के साथ भी ना इसका रिव्यू शेयर करती हूँ। ख़ासकर जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं ना, जो अभी टीनेजर में हैं या अभी अभी टीनेजर से मूव हुई हैं, उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि उनकी स्किन ना बिल्कुल एक कली की तरह है, बिल्कुल छोटी सी कली की तरह, अभी उन्होंने गुलाब बनना है। तो बेहतर है कि आप लोग जो है वो अच्छी चीज़ों पर इन्वेस्ट करें, बजाय इसके कि आप केमिकल से अपनी स्किन को ख़राब कर लें। तो जो आज मैं लेकर आई हूँ ये है सईद गनी का चारकोल मास्क। ज़ाहिर है जब अभी तो गर्मी आना शुरू हो गई हैं, तो जब आप बाहर निकलेंगी अकेडमी कॉलेज स्कूल गोइंग गर्ल, तो डेफिनेटली आपको जो है वो सन टैन की प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इनका एक ये वाला मास्क ले लेना है। अपनी अपकमिंग वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ एक दो क्लींज़र का रिव्यू भी शेयर करूँगी। मैं भी रिसर्च कर रही हूँ, अगर जिनके मुझे रिज़ल्ट अच्छे लगे वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोग वो ले लीजिएगा, और साथ में ये वाला मास्क आप लोग चाहे वीक में एक दफ़ा इसको यूज़ करें। और ये इतना ज़बरदस्त है ना, ये पूरी तरह से आपकी टैन को एक ही वॉश में ना आपको जो है विजिबल रिजल्ट्स होंगे शो। एक्चुअली मैं ख़ुद भी इतनी ज़्यादा कंफ्यूज थी, ये ना वीडियो बस मैंने यूँ ही बना दी है। मैं लेकर आई थी क्योंकि गर्मी आने वाली है, तो मुझे भी ना कोई चारकोल से रिलेटेड ही कुछ चाहिए था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ना ट्रैवल की वजह से मेरे फेस पर थोड़ी सी टैनिंग हो गई है, तो जब मैं गई तो मुझे ये वाला प्रोडक्ट अच्छा लगा और मैंने इसको फ़ौरन से पिक कर लिया। और जब फिर मैंने इसे अप्लाई किया तो इसके रिज़ल्ट वाकई ही बहुत औसम थे। फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करूंगी, और ख़ासकर उन लड़कियों के लिए। अभी मैंने कहा कि जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं ना, वो इसको ज़रूर से अप्लाई करें और अपनी स्किन केयर रूटीन में इसको शामिल करें। पीछे आप लोगों को पॉन्ड्स फेस वॉश भी नज़र आ रहा है। ख़ासकर मतलब जो लड़कियाँ अभी जिनकी स्किन बिल्कुल बेबी स्किन है ना, वो लोग चारकोल की तरफ आएँ। हार्श केमिकल यूज़ करने से वो लोग अभी परहेज़ करें, बस इतने केमिकल यूज़ करें कि आपकी जो टैन है ना वो रिमूव हो, अदरवाइज़ वो आपके स्किन टेक्सचर को ख़राब ना करें। कुछ लड़कियां होती हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ केमिकल लगा लेती हैं, मुझे पता है इस एज में लड़कियों को होता है ये क्रेज़ कि हम हर तरह का फैशन करें, हर तरह की नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करें। लेकिन ये जो आपकी स्किन है ना, ये गॉड गिफ्टेड है। अगर एक दफ़ा आपने इसको ख़राब कर लिया ना, उसके बाद आपकी स्किन जो है वो अल्लाह करे ठीक हो जाए, लेकिन बहुत मुश्किल से ठीक होती है। कभी उस पर पिम्पल, कभी कुछ, तो वो फिर ऑन एंड ऑफ सीन चलता ही रहता है। तो बेहतर है कि आप लोग पहले से ही केयर करें। ये जो दो प्रोडक्ट मैं आप लोगों को शो कर आ रही हूँ, एक फ़ेस वॉश है और एक जो है ये मास्क। पॉन्ड्स का फेस वॉश है वो भी चारकोल वाला है, और सईद गनी का चारकोल मास्क की तो बेस्ट है ना। ये दोनों प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, आप लोग जो है बस इसी को यूज़ कर लें। और जैसे कि मैंने कहा कि डबल एक्शन क्लींज़र भी है मेरे पास, वो भी मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करूँगी। मैंने भी एक दो दफ़ा ये अप्लाई किया है, तो तीन चार दफ़ा से अगर उसका कोई रिज़ल्ट शो हुआ फिर ही मैं आप लोगों के ना साथ उसका रिव्यू शेयर करूँगी कि वो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वो फिर उसके लिए आपको ना मेरी अगली वीडियो का वेट करना पड़ेगा। बाकी डेली जो है दिन में दो दफ़ा आपको फेस वॉश करना चाहिए, एक सुबह के टाइम इनके जब आप सोकर उठते हैं तब भी हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, और एक तब जब आप रात को सोने जा रहे होते हैं, क्योंकि दिन भर की डस्ट जो है ना वो आप यूं ही जाकर नहीं सो सकते, इसीलिए आपको तब भी फेस वॉश करना पड़ेगा। बाकी जब संडे को आपको ऑफ हो तो आप ये वाला मास्क ट्राई कर लें। एंड बस आज के लिए इतना ही। होप सो कि वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो ना, तो इस वीडियो को थम्स अप करें और अपनी उन बहनों के साथ ज़रूर शेयर करना। इनफैक्ट हाँ, लड़के भी इसको लगा सकते हैं, तो आप सबके साथ शेयर कर देना। फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।